करनाल के नगर निगम कार्यालय में नगर पालिका कर्मचारी संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल की जा रही है, जिसके चलते आज बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया। इस धरने प्रदर्शन में प्रदेश स्तरीय नेताओं ने भी शिरकत की। नगर पालिका कर्मचारी संघ के नेताओं ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की छटनी कर रही है, जिसका नगर पालिका कर्मचारी संघ जोरदार विरोध करता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते कर्मचारियों ने अहम भूमिका निभाई, परंतु अन्य कर्मचारियों की तरह कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही। अभी तक कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है, परंतु सफाई कर्मचारियों को कोरोना से बचाव के उपकरण देने बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि नगर पालिका कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारियों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। इस मौके पर बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे और उन्होंने सरकार विरोधी नारेबाजी भी की। पालिका के जो कर्मचारी हैं, इनकी क्या मांगे हैं जिसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल चल रही है? दरअसल कोरोना जो वायरस है, इसकी शुरुआत होने पर ही हमने सरकार को पत्र लिख करके ये मांग की थी कि हमारे कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण मिलने चाहिए। तब जा कर के कहीं कहीं हमारे कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण दिए गए हैं, और अभी कोरोना वायरस का प्रकोप समाप्त नहीं हुआ है और सरकार ने कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण देना बंद कर दिया है। दूसरा सवाल यह है कि जब केंद्र की सरकार ने कोरोना योद्धाओं की मौत होने पर 50 लाख रुपया विशेष आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की, तो हमारा ये सरकार से सवाल था कि हरियाणा के अंदर भी हमें मिलना चाहिए 50 लाख रुपये। मंत्री जी ने ये कहा था कि मैं मुख्यमंत्री से बात करके आपको दिलाऊँगा। 4000 रुपया जोखिम भत्ता दिलाने की बात थी। ठेका प्रथा खत्म होना चाहिए। जब सफाई कर ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।